मैं चिन्मय कुमार माझी, मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल किस और सेठ माझी। आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एम के बारे में। मैक्सिमम इंग्लिश लर्नर कंफ्यूजन हो जाते कि कहाँ एम पुट करे और कहाँ ए पुट करे। अगर आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन है तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि वाउल के आगे हम एन पुट करते हैं और कंसोनेंट के आगे हम ए पुट करते हैं, मगर ये हाफ करेक्ट है और जो सत्य है तो पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि वाउल के आगे नहीं, वाउल साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं, यानी कि जो वर्ड वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। भावल किसको बोलते हैं? व्हाट इज भावल? भावल हम ए ई आई ओ यू को भावल बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। एक्ट, एक्ट में कौन सा समर है? ए, यानी कि ओ समर है, तो हम क्या पुट करेंगे? एंड पुट करेंगे। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था? जो वर्ड वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। एरोप्लेन, एरोप्लेन में कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? ए, यानी कि अ, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एप्पल, एप्पल में फिर से ए साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इनपुट, इनपुट में कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? आई, यानी कि ई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एलिफेंट, एलिफेंट में फिर से साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि अ साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम में भी हम एन लगाते हैं। ये तो हो गया कुछ एन के एग्जांपल। नेक्स्ट हम जानेंगे एक एग्जांपल। मान लिया कि वाउल साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं और जो वर्ड कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे ए लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो वर्ड वाउल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता उसके आगे हम ए लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डक, डक में ए ई आई ओ यू में कौन सा साउंड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। टाइगर, टाइगर में भी ए ई आई ओ यू में कौन सा साउंड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कैट, कैट में भी चेक करते हैं, नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। बुक, बुक में भी चेक करते हैं, नहीं आ रहा, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। माउस में भी ए ई आई ओ यू मैं कौन सा साउंड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। गर्ल, गर्ल में भी ए ई आई ओ यू मैं कौन नहीं साउंड नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये तो हो गया कुछ एक एग्जांपल। नेक्स्ट हम जानेंगे रेड जोन। वेलकम टू रेड जोन। हम इस रेड जोन में बात करेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, जो मैक्सिमम इंग्लिश लर्नर के माइंड में कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए हमें जरूरत होगा हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क क्या है? ये रहा हेल्प डेस्क। आपके माइंड में ये रखना ही होगा, भावल जो वर्ड भावल साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे हम एन लगाएंगे और जो वर्ड भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है उसके आगे हम ए लगाएंगे। यस, हेल्प डेस्क यानी कि स्वरवर्ण, हिंदी में उसको स्वरवर्ण कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल
देखते हैं। एमए, एमए में कौन सा सोनर है? ए, हमारा हेल्प डेस्क में ए है क्या? जी है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एमबीबीएस, एमबीबीएस, एमबीबीएस में कौन सा सोनर है? ए, ए सोनर है, हमारा स्वर वन में ए है क्या? जी है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कौन सा सोनर है? य, हमारा स्वर वन में य है क्या? नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यूनिटी, यूनिटी में कौन सा सोनर है? य, हमारा हेल्प डेस्क में य है क्या? नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ऑनेस्ट, अनेश में कौन सा सन आ रहा है? अ, हमारा हेल्प डेस्क में अ है क्या? नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? सॉरी, हेल्प डेस्क में हमारा अ है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गुड बाय, टेक केयर।